हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनारायण और स्वागत है आपका क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रतिशत का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या लिखा हो, इफ 80 इज एडेड टू 40% ऑफ अ नंबर द रिजल्टेंट इज 50% ऑफ द नंबर देन व्हाट इज द नंबर। देखिए हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, यदि किसी संख्या के 40% में 80 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या का 50% प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, देखिए किसी संख्या के 40% में कितना जोड़ा जाएगा, 80 जोड़ा जाएगा। तो उस संख्या क्या, यानी यहाँ पे जो संख्या है, ये जो संख्या है, इस संख्या का 50% रिजल्ट प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का जो बेस वैल्यू होता है वो कितना होता है, 100%। तो हम लोग ये समझ लें कि हमारी जो नंबर है, वो नंबर यदि हम एज्यूम कर लें कि नंबर अपने लिए 100% है। अब नंबर 100% है तो बोला गया आप दो काम कीजिए, इसका 40%, इसके 40% में 80 ऐड कर दीजिए, तो इसके 40%, 100% के 40% निकालेंगे तो 40%, और 40% के में 80 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, इसका 50% होगा। तो ये कितना होगा, 50%। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गया। अब इस 40% को इधर आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका मीनिंग 50% में से 40% माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया, 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 80। 10% की वैल्यू 80 हो गई तो हमारा नंबर कितना है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए इस 10 का कितना टाइम से, 10 का कितना टाइम्स 100 होता है, तो 10 टाइम्स 100 होता है। तो 80 का 10 टाइम्स कर दीजिए तो 80 का 10 टाइम्स कितना हो गया, 800। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 800 होगी। देखिए एक तरीका तो ये है, इसका एक दूसरा तरीका भी बताते हैं। देखिए ये फर्स्ट मेथड है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट मेथड है परसेंटेज से सोचने का। परसेंटेज से सोचने का एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है। अब परसेंटेज से सोचने का दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको 100x ले लेते, ये भी एक दूसरा मेथड है। तो ये 40x हो जाता है 50x, तो जब अंतर करते तो कितना होता है, 10x इक्वल टू 80 लिखते, तो 100x इक्वल टू कितना हो जाता है, ये कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। ये बताइए अब 40% का मीनिंग क्या होता है, ये 40% का मीनिंग कितना होता है, ये आप जानते हैं कि 2/5 होता है। इसका मतलब हम ऐसे लिखें कि नंबर्स, यदि नंबर 5 होगा तो इसका 40% का वैल्यू जो आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब बोला गया यहाँ 50% का मीनिंग क्या होता है, देखिए 50% का मीनिंग क्या होता है, 1/2। तो 50% का मीनिंग ये 2 होता है, तो यानी यदि नंबर 2 होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं बोला कि, अब देखिए इन दोनों जगह ये नंबर तो ओरिजिनल नंबर तो डिफर कर गया, तो इसको यदि इक्वल किया जाए तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 का 2 गुना कितना हो गया, 10, और ये भी 10, तो नंबर तो सेम हो गया, 10 10 हो गया। अब ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 5। अब बोला गया है क्या, देखिए कि इसमें हम लोग 80 ऐड करेंगे, यानी 4 यूनिट हुआ, ये क्या हुआ, 4 यूनिट, और ये कितना हो गया, 5 यूनिट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 यूनिट का जो वैल्यू हुआ, ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 80 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू यदि 80 होता है तो यहाँ पे देखिए नंबर कितना है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है रेशियो से सोचने का तरीका है, ओके। तो आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुरेश स्पेंड 66 होल 2/3% ऑफ हिज मंथली इनकम एंड एबल टू सेव ₹3600 पर मंथ देन व्हाट इज हिज एनुअल एक्सपेंसेस। देखिए क्या बोला गया, सुरेश अपने प्रति माह आय का 66 से ही 2/3% खर्च कर देता है और ₹3600 प्रति माह बचा पाता है, तो उसके वार्षिक खर्च कितने हैं। देखिए तो बोला गया है कि एक वर्ष का खर्च कितना है, तो पहले हम लोग परसेंटेज के तरीके से देखते हैं, तो फर्स्ट मेथड हम लोग ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो जो भी खर्च कर रहा है वो अपने इनकम का खर्च कर रहा है, ये तो बात समझ में आ रही है। तो हम उसकी इनकम को ही 100% समझ लें, यदि इनकम को ही हम 100% यदि समझ लें और उसमें से वो खर्च कर दिया 66 होल 2/3%, ये उसका एक्सपेंस हो गया, तो इसका मीनिंग सेविंग्स कितना हो गया, 33 होल 1/3% हुआ। अब देखिए इसका मीनिंग तो जानते हैं, 66 होल 2/3 को परसेंटेज में 2/3 लिखते हैं और इसको 1/3 लिखते हैं, तो इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, 1/3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1/3 यूनिट का वैल्यू कितना है, ₹3600। तो 66 होल 2/3 यानी 2/3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 यूनिट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं
इसका ठीक डबल है, देखिए यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे भी हम डबल कर देंगे, तो ये कितना होगा 3600 का डबल 7200, 7200। अब इस 7200 क्या हुआ, पर मंथ एक्सपेंस हुआ, ये पर मंथ हुआ, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि वन ईयर का, तो वन ईयर का एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वन ईयर का एक्सपेंस निकालने के लिए आप 7200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 12 2 24, और 12 से बन जाए 84 प्लस 2 86, तो कितना हो गया 86,400 रुपीज, ये इसका एक्सपेंस हो गया वन ईयर का, ठीक है, सॉरी वन ईयर का टोटल एक्सपेंस हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं, रेशियो वाला तरीका जो सेकंड मेथड में बता रहा था, सेकंड मेथड देखते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका है कि देखिए पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लें कि 66 होल 2/3% का मीनिंग क्या होता है, और 33 होल 1/3% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे सेविंग्स, ठीक है। अब बोला क्या है कि देखिए 66 होल 2/3, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। तो या इसका मीनिंग हुआ कि इनकम यदि 3 रुपया होगा तो एक्सपेंस 2 रुपया होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग सेविंग्स कितना होगा, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, 1/3, यानी इनकम 3 रुपया होगा तो सेविंग्स कितना बचेगा, 1 रुपया, तो 1 रुपया बच रहा है। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, इस 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 3600। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट का वैल्यू होगा 7200, ठीक है। अब आपसे पूछा गया ये तो पर मंथ हुआ, अब 12 मंथ का पूछा गया, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मीनिंग कितना हो गया, रुपीज 86,400, ठीक है। तो रेशियो से यदि आप करते हैं तो ये काफी इजी हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट बिल्ट होना चाहिए पहले परसेंटेज में, ओके। तो दोनों तरीके बहुत इजी हैं। आते हैं हमको तीसरे क्वेश्चन में, देखिए तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ बी, एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ ए, फाइंड By how much percent is C's income more than A's? बोला गया है क्या? C की आय B की आय से 20% अधिक है और B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो C की आय A की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब देखिए बोला गया क्या, C की आय B की आय से 20% अधिक है, ठीक है, और B की आय A की आय से 25% अधिक है। तो हम लोग ऐसा समझें कि ए की आय को हम लोग ए बी और सी लिख लेते हैं। अब ए की आय को हम लोग 100 ले लें, तो ए की आय से बोला गया, देखिए ए की आय से 25% अधिक है किसकी आय, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो इसका मतलब इसमें 25% ऐड हो जाएगा। तो 100 का 25% कैलकुलेट करें तो 25 ही होगा, तो 125 हो गया। अब बोला गया इससे सी की आय अधिक है कितने परसेंट, 20% अधिक है, तो अब 125 का 20%, 20% कहने का मीनिंग कितना होता है, 1/5, तो इसका 125 का 1/5 तो आप जानते हैं कि 25 होगा, तो 25 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो सी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए 100 से कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 से यदि 50 अधिक है तो 50% मोड है, तो आपका आंसर क्या लिख देंगे, 50% मोड, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं, रेशियो के तरीके से भी सोच सकते हैं, देखिए कैसे। अब बोला कि पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ए की आय से कितना, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो अब देखिए 25% का मीनिंग क्या होता है, ये समझ लीजिए, 25% का मीनिंग क्या होता है, 1/4, और 20% का मीनिंग क्या होता है, 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5। अब हम लोग लिख लेते हैं ए बी और सी, इस केस में देखिए ए की आय कितनी समझेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई, या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20, तो हम ए की आय को ले लिए 20, अब ए की आय 20 यूनिट ले लिए, अब इससे 25% अधिक, तो इसका 25% कितना हो गया, 1/4 से कैलकुलेट करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 ऐड कर देंगे कितना हो गया, 25, अब इससे बोला गया है कितना, 20% अधिक, तो इससे 20% अधिक होगा, तो इसका मतलब 1/5 यानी 5, तो 5 ऐड कर देंगे तो 30। तो देखिए 20 ए की आय यदि 20 होगी तो सी की आय कितनी होगी, 30 होगी, तो कितना अधिक है, तो आप अब कोर्स समझ सकते हैं कि 10 अधिक है, तो इसका मतलब 10 अधिक है कितने से, 20 से। तो मोर परसेंटेज यदि कैलकुलेट करना हो तो मोर परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंस, यानी डिफरेंस मतलब कितना हुआ, 10/20 × 100। अब 10/20 × 100 करेंगे तो आपको ऑफकोर्स ये पता चल जाएगा कि ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, और 1/2 मतलब कितना परसेंट होता है, 50% होता है, 50% अधिक है, ठीक है। तो देखिए ये जो था आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है, और ये जो था आपका सेकंड मेथड था, ठीक है।
तो मैं आपको दो दो मेथड बता रहा हूँ जिसमें दोनों में से किसी एक से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको बार बार वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड आपको बहुत इजी लग रहा है। किसी के लिए पहला मेथड बहुत इजी हो सकता है, किसी के लिए दूसरा मेथड बहुत इजी हो सकता है, तो दोनों में से किसी एक मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी एंड 25% लेस देन द इनकम ऑफ सी। बोला गया देखिए ए की जो इनकम है 20% लेस है बी की इनकम से और 25% लेस है सी की इनकम से। इफ इनकम ऑफ बी इज ₹6,000 मोर देन द इनकम ऑफ सी देन फाइंड एज इनकम। देखिए क्या बोला गया, ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय से 25% कम है। यदि बी की आय सी की आय से 6,000 रुपया अधिक है तो ए की आय ज्ञात करें। देखिए तो देख रहे हैं ए की आय का तुलना बी से किया गया है और ए की आय का तुलना ही इस ए की आय का तुलना ही किससे किया गया है, सी से किया गया है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है। तो यदि हम लोग बोले हैं कि ए की आय बी की आय से, देखिए तो यदि हम लोग इस तरीके से समझें, इस तरीके से समझें कि ए है बी है और सी है, ठीक है, तो हम आपको पहले एक रेशियो के तरीके से बताते हैं। देखिए तो पहले हम लोग बी लिख दिए, ए लिख दिए और सी लिख दिए। इसका मीनिंग हम यदि परसेंटेज के तरीके समझें तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि बी को 100 होता तो ए का आय कितना हो जाता, ए की आय हो जाता आपका 20% का, यानी 80 हो जाता। और यदि सी यदि 100 होता, सी यदि 100 होता तो ए कितना हो जाता, 75 हो जाता। यही तो कहना चाह रहा है ये। अब देखिए यदि इसको हम रेशियो में कैलकुलेट करें, रेशियो में कैलकुलेट करें तो इसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर देते हैं, तो इसका मीनिंग ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 4। इसको कैंसिल करें तो ये कितना हो गया 3, 25 से और ये 4, तो इस 4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, और इस 3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो रेशियो कितना हो गया 5 3 15, ये हो गया 12 और ये हो गया 16, ठीक है, तो 15:12:16 का रेशियो बनेगा। अब बोला गया क्या, देखिए यदि बी की आय सी की आय से 6,000 अधिक है, ठीक है, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। यदि बी की आय बोला गया है सी की आय से 6,000 रुपया अधिक है तो ए की आय ज्ञात करें, तो यहाँ पे उल्टा होगा, यदि सी की आय लिखना चाहिए, सी की आय बी की आय से, ठीक है, इफ द इनकम ऑफ सी इज 6,000 मोर देन द इनकम ऑफ बी को होना चाहिए यहाँ पे। ओके तो देखिए यहां कितना अधिक है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता हो गया कितना, 1 यूनिट का वैल्यू पता हो गया आपका, 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 रुपीज, ठीक है, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 72,000 रुपीज, ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, देखिए आप ऐसे लिख लें कि ए बी और सी के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो हम लोग ए और बी की आय का रेशियो देखते हैं, फिर ए और सी की आय का रेशियो देखते हैं, ठीक है, तो ए और बी और ए और सी का आय का रेशियो देखेंगे फिर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए को इक्वल कर देना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल किया है, तो ए और बी की आय का रेशियो क्या हो जाता, देखिए ए और बी की आय का रेशियो क्या हो जाता, यहाँ पे बोला गया ए की आय बी की आय से कितना लेस है, 25% लेस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 100 होता तो ये कितना होता, 25 20 कम हो जाता है, 80 होता है, यानी 4:5 का रेशियो बनेगा। और ए इज टू सी की बात करते तो ए इज टू सी कितना हो जाता, ए इज टू सी, देखिए तो ए इज टू सी कैलकुलेट करते तो ए इज टू सी कितना हो जाता, ये हो जाता, देखिए 25% लेस बोला गया है, तो 25% लेस मतलब सी यदि 100 होता तो ये हो जाता 25% लेस, यानी 75, यानी 3:4 का रेशियो होता। तो देखिए यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय कितना कर देते हम, 3, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो देखिए ए 12 हो गया, बी 15 हो गया और सी 16 हो गया, तो ए और बी और सी का रेशियो कितना आ जाता, 12:15:16 का रेशियो हो जाता, सॉरी गलत बोल रहे हैं, हाँ 12:15:16 का रेशियो। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, 1 यूनिट, तो यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन में। इन अ स्कूल देयर आर 65% बॉयज, इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 180 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स
देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द स्कूल, क्या बोला गया है? एक स्कूल में 65% लड़के हैं, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 180 अधिक है तो स्कूल में कितने छात्र हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि स्कूल में जो छात्र हैं उनकी संख्या 100% है। अब 100% है तो इसमें बोला गया है कि 65% बॉयज हैं, तो बॉयज यदि 65% है तो गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई 35%। अब बोला गया है कि बॉय जो है गर्ल से 180 ज्यादा है, तो इसका मतलब देखिए ज्यादा और कम करने का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस। यदि आपको ये नहीं पता है तो हमारे इसके पहले वाले वीडियो परसेंटेज का पार्ट वन देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है इसको। तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, ये डिफरेंस हो गया 30%। अब 30% की वैल्यू कितनी है, 180। तो 100% की वैल्यू यदि कैलकुलेट करनी है तो कितना हो जाएगा, देखिए तो अब 30 का ये कितना टाइम्स है, तो ऐसे बोलेंगे सर 6 टाइम्स है, तो यहाँ से इसका 6 टाइम्स कर दीजिए, 100 का 6 टाइम्स कितना हो गया, 100 का 6 टाइम्स 600 हो गया। तो इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, आपके 600 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि रेशियो से आप कैलकुलेट करते, रेशियो का तरीका देखते हैं, रेशियो का भी तरीका यहीं पे देख लेते हैं ताकि आपको रेशियो के भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले आपको 65% का मीनिंग पता करना पड़ता है, तो 65% का मीनिंग कितना होता है, 65/100। तो 65/100 कैंसिल करते तो 5/1 कितना हो जाता है, 13, और 5 से कैंसिल करते तो 20, तो 13/20 होता। 35% का मीनिंग कितना हो जाता, 35% का मीनिंग 5 से कैंसिल करते तो 7, और 5 से कैंसिल करते तो 20। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ देखिए, तो इसका मतलब ये टोटल स्टूडेंट होंगे तो 13 गर्ल्स होंगे, 13 बॉयज होंगे, तो हम लोग टोटल स्टूडेंट लिख रहे हैं, ऐसे लिख देंगे टोटल स्टूडेंट, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। तो टोटल यदि 20 होंगे तो बॉयज कितने होंगे इसमें, 13, और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 20 माइनस 13 करेंगे तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 7। अब बोला गया है कि इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 13 माइनस 7, तो 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 180। तो 6 यूनिट की वैल्यू 180 हो गई, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 का कितना टाइम्स है देखिए, तो 6 का 30 टाइम्स है, तो 20 का 30 टाइम्स कर देंगे तो कितना होगा, 20 का 30 टाइम्स यहाँ पे कर दीजिए, तो 20 का 30 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दो तरीके हैं, दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला गया है, थ्री नंबर एक्स वाई एंड जेड आर इन सच अ वे दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड इफ 40% ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 50% ऑफ सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर एंड इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर इफ सम ऑफ ऑल द नंबर इज इक्वल टू 7400 देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए बोला गया तीन नंबर एक्स वाई और जेड इस तरह है कि एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है। यदि सबसे बड़ी संख्या का 40% दूसरी सबसे बड़ी संख्या के 50% के बराबर हो और सबसे छोटी संख्या के 60% के बराबर है और यदि सभी संख्याओं का योग 7400 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि देखिए x जो है x बड़ा है y से और y बड़ा है z से। अब बोला गया है इसका 40%, ठीक है, सॉरी x का कितना परसेंट बोला गया है, x का 40%, तो x का बोला गया है 40%, तो x का 40% हम लोग लिख लेते हैं, x का 40%, ये इक्वल टू है y का 50% और ये इक्वल टू है z का, ये इक्वल टू है z का 60%। तो यदि हमें x is to y is to z पता चल जाए तो हमारा वैल्यू पता चल जाएगा, तो x is to y is to z क्या होगा देखिए, तो देखिए सब में परसेंटेज है, परसेंटेज हटा दीजिए, और सब में एक एक जीरो है तो ये जीरो भी एक एक तीनों पार्ट में से हटा दीजिए। अब क्या हुआ, 4x इक्वल टू 5y इक्वल टू 6z। तो x इज टू y इज टू z ने कैलकुलेट करने के लिए क्या है, देखिए जब हमें x की इस x का वैल्यू निकालना है तो x वाला कोफिशियंट कितना है 4, तो इसको छोड़ के y और z दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, 5 × 6। दूसरा देखिए, दूसरा क्या करेंगे, मैं आपको पूरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5 × 6। दूसरा हमें y को कैलकुलेट करना है तो y की वैल्यू को छोड़ के बाकी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 और 6 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 6। और हमें z की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो z वाले को छोड़कर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 × 5। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, सब में 2 से कैंसिल होगा तो 2 से ये 3 हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल 2 हो गया, 2 से ये 4 भी कैंसिल 2 हो गया, तो कितना हो गया रेशियो, 15:12
इज टू 10। तो 15 प्लस 12 कितना हो गया, 15 प्लस 12 हो गया आपका 27, 27 प्लस 10 हो गया 37। तो आप बोल सकते हैं कि 37 यूनिट का जो वैल्यू है, 37 यूनिट का जो वैल्यू है वो है 7400। ठीक है, अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो देखिए 7400 आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका कितना गुना है, तो 200, इसका बोल सकते हैं कि 200 गुना है, तो 1500 का 200 गुना कर देते, या भाई 37 करते और इनटू 15 करते, तो 37 से इसको कैंसिल करते तो 200 हो जाता, 200 का 15 टाइम्स कितना हो गया 3000। ठीक है, तो यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उसका योग वो वैल्यू कितना है 3000 है। तो ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का। ओके, समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। देखिए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला कि इफ एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन एज इनकम। ठीक है, इफ एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन एज इनकम। बोला क्या है, यदि ए की आय का, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है 2% है ए और बी। अब समझिए, बोला गया है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी बी को यदि हम 100 समझें तो इससे 20%, इसमें 20% ऐड होगा तो ए की आय पता चलेगी, तो इसका मतलब 120 होगा। अब बोला जा रहा है 120 से बी कितना कम है, तो देखिए कितना कम है, तो बोलेंगे 20 कम करेंगे तब 100 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे लेस परसेंटेज। लेस परसेंटेज कितना होगा 20/120 × 100। 20/120 × 100 कर देंगे तो 20, देखिए 1/6 हो गया, तो 1/6 कितना होता है 16/2/3%। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 16/2/3% लेस है। देखिए एक तो तरीका ये है कि परसेंटेज से आप ऐसे सोचिए, फर्स्ट मेथड ऐसे है, ठीक है। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, ठीक है, सेकंड मेथड है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं ऐसे, लेस परसेंटेज, लेस परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखेंगे मोर परसेंटेज, मोर परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस मोर परसेंटेज इनटू क्या कर देते हैं आप 100, तो ऐसे भी कैलकुलेट हो जाता है। देखिए तो मोर परसेंटेज में कितना लिखा गया 20% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 करते तो 120 × 100। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है, तो इसको कैंसिल करते 1 और ये हो जाता है 6, 1/6 कितना हो गया 16/2/3%, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग रेशियो के तरीके से भी देख लेते हैं क्या है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए रेशियो का तरीका क्या है, इस 20% का मीनिंग क्या होता है, तो 20% का मीनिंग क्या हो गया आप ये समझ गए कि 20% का मीनिंग होता है 1/5, और 20% क्या है मोर है, तो मोर कहने का मतलब ज्यादा होगा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि बी का वैल्यू 5 होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा 1 ज्यादा होगा, तो 1 ज्यादा होगा तो कितना होगा 5+1 हो जाएगा, तो 5+1 हो जाएगा तो कितना हो गया 6 हो गया। अब बोला जा रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए बी की आय कितनी हो गई, इनकम ऑफ बी देख रहे हैं तो कितनी है 5 यूनिट, इनकम ऑफ ए कितनी है 6 यूनिट, तो यहां से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट कम है, तो 1 यूनिट किससे कम है, 6 से कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे लेस परसेंटेज, यानी कम में कमी का परसेंटेज, कम का प्रतिशत कितना होगा, कमी का प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत कितना बताएंगे 1/6 × 100। तो 1/6 × 100 आप जानते हैं जब भी फ्रैक्शन में 1/6 × 100 रह जाए तो कितना हो जाएगा 16/2/3%, डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूं ऐसे। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ एज सैलरी इज 20% लेस देन बीज सैलरीज, देन बीज सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन एज सैलरीज। क्या बोला गया, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी के का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग यदि ऐसा समझते हैं कि बी का जो इनकम है वो यदि 100 है तो ए का इनकम कितना होगा, लेस बोला गया 20% लेस, तो लेस होने का कहने का मतलब माइनस हो जाता है, तो ए का इनकम कितना होगा 80 हो जाएगा। अब 80 से ये कितना अधिक है, तो बोलेंगे सर इसमें 20 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मोर परसेंटेज यानी इंक्रीज परसेंटेज पूछा जाएगा, तो मोर परसेंटेज कितना हो गया 20/80 × 100 कर देंगे, तो 20/80 × 100 कर देंगे, देखिए कितना हो गया 1/4, और 1/4 यदि और इंटू 100 करेंगे तो कितना हो गया 25%, तो आप बोल सकते हैं कि 25% अधिक है। दूसरा तरीका क्या है,
आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं कि मोर परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं लेस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 माइनस लेस परसेंटेज इंटू 100, ये आप कर सकते हैं। तो देखिए लेस परसेंटेज कितना है 20 बाई 20, 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना होगा 80 इंटू 100। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 20 से 1 और ये हो गया 4, 1 बाई 4 इंटू 100 कितना हो गया 25%। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं कि सर 25% आंसर होगा, ठीक है। और तीसरा तरीका जो मैं रेशियो वाला बता रहा था आपको, रेशियो वाला तरीका देखते हैं। तो रेशियो वाला तरीका बहुत ही ईजी है। देखिए रेशियो वाला तरीका में क्या है कि 20% का मीनिंग आपको समझना है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 20% इक्वल टू क्या होता है 1/5। अब देखिए लेस बोला गया है, तो लेस बोला गया है, इसका मीनिंग क्या होगा कि बी का इनकम यदि 5 होगा तो ए का इनकम 1 रुपया कम होगा। तो ए कितना होगा, तो ए का इनकम होगा 5 माइनस ये न्यूमरेटर वाला वैल्यू कितना है 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो इसका मतलब ए का इनकम हो गया 4। अब देखिए ए से कितना अधिक है, तो ए का वैल्यू देखिए कम है और बी का ज्यादा है, तो ए से कितना अधिक है, तो अब बोलेंगे कि सर ए की यूनिट अधिक है, तो अब यही हम बोलेंगे कि मोर परसेंटेज या अधिक का प्रतिशत कितना होगा 1/4 इंटू 100। अब 1/4 इंटू 100, 1/4 जब भी रहे तो आपको पता है कि 25% हो जाएगा, तो 25% आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि यदि आपको ये रेशियो, ये परसेंटेज का वैल्यू पता हो, ठीक है, तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। देखते हैं आज के सेशन का 9th नंबर क्वेश्चन। बोला गया है इफ एज इनकम एक्सीड्स 25% बीज इनकम एंड 40% ऑफ एज इनकम इज रुपीज 4000, देन फाइंड 60% ऑफ बीज इनकम। देखिए पहले क्या बोला गया, एज इनकम एक्सीड करने का मीनिंग क्या होता है, अधिक। बोला गया यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और ए की आय का 40% 4000 रुपया है, तो बी की आय का 60% ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो पहले परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बी की आय इनकम यदि 100 रुपया होगा, इनकम ऑफ बी यदि 100 होगा, तो इनकम ऑफ ए कितना लिखेंगे, इससे 25% अधिक, तो इससे 25% अधिक लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 125। अब बोला गया इसका 40% 4000 है, तो इसका 40% कितना हो गया, तो 40% कहने का मीनिंग कितना होता है 2/5 होता है, 40% कहने का मीनिंग 2/5, ठीक है। तो इसका मतलब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 का 2 गुना कितना हो गया 50, तो इसका मतलब 50 यूनिट का वैल्यू है या कितना रुपीज 4000। अब बोला गया है क्या, बी की आएगा 60%, तो बी की आएगा इसका 60% कितना होगा, इसका 60% 60 यूनिट होगा। तो आपसे पूछा गया कि इसका 60 यूनिट बताइए, तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप बता सकते हैं आराम से 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4000 × 60/50, यही लिखा जाएगा। 50 से इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से 8 बार में 40 80, यानी कितना हो गया 8 6 = 4800, ठीक है। तो 4800 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, देख ध्यान दीजिएगा, रेशियो वाला तरीका। देखिए ये 25% का मीनिंग क्या है, एक्सीड 25%, तो 25% का मीनिंग क्या हुआ, ये आप समझिए 25% का मीनिंग कितना होता है 1/4। इसका मीनिंग हुआ कि यदि इनकम ऑफ बी, यदि आप 4 यूनिट लेते हैं तो इनकम ऑफ ए जो होगा ये 5 यूनिट होगा, और इस 5 यूनिट का 40% यदि कैलकुलेट करें तो 40% यानी 2/5, तो 5 यूनिट का 2/5 कितना हो गया 2 यूनिट, 5 यूनिट का 2/5 कितना हो गया इक्वल टू कितना, इसका 2/5, तो इसका मतलब कितना हो गया 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का, इस 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, इस 2 यूनिट का वैल्यू है आपका कितना रुपीज 4000। अब बोला गया इसका 60%, 60% का मीनिंग कितना हो गया, 60% का मीनिंग हो गया 3/5, ठीक है। तो 3/5 कहने का मीनिंग क्या हुआ, या आप इसका 60% डायरेक्ट कैलकुलेट करें, इसका 4 का 60%, तो 4 का 60% कितना हो गया 2.4, तो आपसे 2.4 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आराम से नहीं बता सकते हैं। देखिए इसका कितना गुना है, तो इसका आप बोल सकते हैं कि सर इसका 2000 गुना है, तो 2.4 का 2000 इन टाइम्स कर दीजिए, 2000 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 4800 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये। आइए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है इन एन एग्जामिनेशन राजू गॉट 25% मोर मार्क्स देन सुनील,
राजू गॉट 25% मोर मार्क देन सुनील, सुनील गॉट 10% लेस देन कुणाल, सॉरी कमल, एंड कमल गेट 25% मोर देन पंकज. इफ पंकज गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन मार्क्स ऑब्टेन बाय राजू इज. देखिए बोला गया एक परीक्षा में राजू को सुनील से 25% अंक अधिक अंक मिले, सुनील को कमल से 10% कम और कमल को पंकज से 25% अधिक अंक मिले. यदि पंकज को 500 में से 320 अंक मिले तो राजू द्वारा प्राप्त अंक हैं. तो सबसे पहले देखिए 3 पर्सन है राजू है, कमल है, सुनील है, 4 पर्सन है राजू है, सुनील है, कमल है और पंकज है, ये 4 बंदे हैं. अब बोला कि 500 में इस 500 में से 320 तो 320 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 करेंगे आप तो ये वैल्यू आएगा वो कितना आएगा देख लीजिए, ये वैल्यू आएगा 64%. तो इसका मीनिंग हुआ पंकज को मिले 64%. अब बोला गया इससे 10% इससे 25% मोर मार्क्स कमल को मिले तो इसका 25% मोर कैलकुलेट कीजिए. तो 64 का 25% यदि कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 1/4. 1/4 ज्यादा होगा तो 1/4 मतलब 8. तो 8 यदि ज्यादा 25% ज्यादा है तो 64 का देखिए 64 का आप 5/4 टाइम्स कर दीजिए. ठीक है तो 5/4 टाइम्स करेंगे तो 16, 16 का 5 गुना कितना हो गया 80 हो गया. तो 80 हो गया. ठीक है अब इससे बोला गया है कि इससे 10% लेस है तो इसका 10% कैलकुलेट कीजिए. तो 80 का 10% कितना हो गया 8, तो ये हो गया कितना 72. और इससे बोला गया है कि इससे भी 25% अधिक है तो इसका 25% कितना यानी 5/4 टाइम्स. तो 72 का 5/4 टाइम्स कर दीजिए तो 5/4 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो गया 4 से 18, 18 का 5 गुना कितना हो गया 90. तो इसका मतलब यदि पंकज को 64% मिले तो कमल को 80% मार्क्स मिले, सुनील को 72% और राजू को जो मिले वो 90%. तो हमें तो पता है कि 64% जो वैल्यू है वो है 320 मार्क्स. वो कितना मार्क्स है 320 मार्क्स है. ठीक है और तो 90% की वैल्यू कितनी होगी, तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो ये आपको बहुत इजीली पता चल रहा है कि इसका ये कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है. तो 90 का 5 टाइम्स कर दीजिए तो 90 का 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 का 5 टाइम्स हो जाएगा आपका 450 मार्क्स. ठीक है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है कि 450 मार्क्स राजू को प्राप्त होंगे. ओके तो देखते हैं आगे क्या है. ओके दोस्तों तो आज के वीडियो में बस इतना ही. तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें classtubeplus@gmail.com पे सेंड करें. और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे और आप वीडियो चाहते हैं. ओके फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और अपना और अपने से बड़ों का ख्याल रखें.